CH2O2 और या CH2O क्योंकि सुपर ऑक्साइड होते हैं, क्या होते हैं ये आप लोगों के पास है शाबाश मोल्स का। अगर अगर मैं बेसिक कैरेक्टर की बात करूं तो उल्टा हो जाएगा, क्योंकि अगर ये स्टेबल है तो मतलब ऑक्साइड मतलब अनस्टेबल होना चाहिए, तो यहां पर ये CH2O मोल क्या हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा किससे जी CH2O2 से, और ये मोल बेसिक CH बेसिक ये है, और ये कौन सा है स्टेबिलिटी का है। मतलब मिला के पहलवान दबला दो है, देखो Li2 हो है, Li2O2 है, और LiO इसमें से कौन सा मोर स्टेबल है, Li2O मोर स्टेबल है, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि लिथियम का साइज क्या है छोटा है। आप लोगों ने कार्बोनेट्स के आप लोग के कोर्स में नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत आप लोगों ने कार्बोनेट्स के बारे में पढ़ा होगा। आप लोगों ने क्या पढ़ा था कि हमारे पास Na2SO4 है या सॉरी CO3 है, और यहाँ पर मैंने MgCO3, तो इसमें से मोस्ट स्टेबल कौन सा है, तो देखिए यहाँ पर CO3 माइनस का साइज क्या होता है, बड़ा होता है, तो बड़े वाले को बड़ा वाला होल्ड करता है, Na प्लस का साइज बड़ा है कि Mg+2 का साइज बड़ा है, तो ये वाला स्टेबल हो गया, ये डिकम्पोज नहीं होता, ये डिकम्पोज हो जाता है, इस तरह होता है कि नहीं होता। आप इस तरह देखो, ये बड़े देते हो कि हमारे पास NiCO3- है, Ni2CO3-, यहाँ पर फिर बोला था शाबाश आपके पास आते हैं या बाइकार्बोनेट ले ले कोई NiHCO3 ले ले, यहाँ पर सोडियम ले ले HCO3 ले ले, यहाँ पर इसके पास कौन आता है KHCO3 ले ले, तो अब यहाँ पर देखिए HCO3 मतलब बड़ा होता है और लिथियम क्या है लेस है, मतलब छोटा है ना, तो डाउन द ग्रुप जब आप तो आप लोग के पास स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है, क्योंकि बड़े वाले के साथ बड़ा वाला स्टेबल होता है, ये डिकम्पोज हो जाता है हीटिंग में, लेकिन ये इतना जल्दी मतलब डिकम्पोज अगर दाम को बोल पाते तो स्टेबिलिटी ऑफ बाइकार्बोनेट इंक्रीजेस, इस तरह बोल देते हैं। मतलब क्या है कि CH+ का साइज क्या है ज्यादा है, तो वो HCO3 को क्या कर सकता है, इसको पकड़ सकता है इजीली, लेकिन लिथियम क्या कर सकता है, नहीं पकड़, इसलिए उसका क्या होता है जी अनस्टेबल होता है। लेकिन अगर फिर आप ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में करते हो तो ग्रुप 1 में जो केटायन है उस पर प्लस चार्ज होता है, ग्रुप 2 में प्लस 2 होता है, तो किसका साइज छोटा होगा, ये वाला, तो इसका कार्बोनेट क्या होगा अनस्टेबल होगा, ग्रुप 1 के कार्बोनेट मोर स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू ग्रुप 2, इस तरह पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। तो मतलब केमिस्ट्री में यही होता है इनऑर्गेनिक में, मतलब छोटे वाले को छोटे वाले के साथ कंबाइन करोगे और बड़े वाले को बड़े वाले के साथ कंबाइन करोगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो अगर मैं सपोज मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि इसमें से कौन सा मोर स्टेबल है, ये वाले देखिए, अगर यहाँ पर मैं Ni3N लिखूं, Ni3N, ठीक है, और यहाँ पर मैं क्या लिखूं, Ni2O लिखूं, आप मुझे ये बताइए कि कौन सा मोर स्टेबल है, शाबाश, शाबाश, नाइट्रोजन कैसा छोटा है, ये कौन, अच्छा छोड़ो 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 बस ये छोड़ो, इसके बाद कौन आता है, लिथियम के नीचे Na3N आता है, क्या ये पॉसिबल है, आप मुझे बताइए, लिथियम भी पीरियड 2 का एलिमेंट है और नाइट्रोजन भी पीरियड 2 का एलिमेंट है, दोनों का साइज ऑलमोस्ट क्या होता है, तो ये रख सकता है, लेकिन इसका साइज बड़ा हो जाता है जिसकी वजह से ये नाइट्रोजन नहीं रख सकता, जस्ट लिथियम क्या करता है नाइट्राइड बनाते हैं, बाकी कोई भी नहीं बना सकता, क्योंकि नाइट्रोजन का साइज क्या होता है आप लोग के पास छोटा होता है, मतलब क्या है कि वो क्या है पीरियड नंबर 2 का एलिमेंट है कि नहीं, तो पीरियड 2 का एलिमेंट मतलब पीरियड 2 के साथ स्टेबल होगा। अब देखो ना लिथियम ऑक्सीजन के साथ स्टेबल है, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ स्टेबल नहीं है, अगर आप देखो जब डाउन द ग्रुप आते हो तो दो दो ऑक्सीजन आप क्या करते हो उसके लिए मतलब बड़े वाले के लिए बना, यहाँ पर देखिए ना इसके साथ दो ऑक्सीजन आपने क्यों अटैच किए, क्योंकि सीजन का साइज क्या था बड़ा, इस तरह है कि नहीं, ठीक है। तो ये सिंपल सा मतलब इसके ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, अगर आपसे कोई बोले कि अगर हम ग्रुप 1 के एलिमेंट जो है इसके रिएक्शन करें ऑक्सीजन के साथ तो क्या बनेगा, आपके साथ तीन किस्म के ऑक्साइड बन सकते हैं, एक नॉर्मल ऑक्साइड, नॉर्मल ऑक्साइड वो जो फर्स्ट मतलब नीचे भी बनाएगा बस, जिसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीजन स्टेट क्या हो -2 हो, फिर जब आप डाउन ग्रुप आते हो तो आपके पास साइज थोड़ा थोड़ा बढ़ता है, तो ओ माइनस का जो साइज होता है वो ऑक्सीजन से क्या होता है ज्यादा होता है, तो फिर ओ माइनस क्या करें आप सल्फर वाले एलिमेंट के साथ कंबाइन करें, ठीक है, और जब बिल्कुल नीचे आ जाते हो तो फिर क्या करें O2 को उसके साथ मतलब सुपर ऑक्साइड बनाए, सिंपल सी बात, तो स्टेबिलिटी का कारण भी बता सकते हो, अगर आप लोगों को परऑक्साइड गिवन डाउन द ग्रुप तो परऑक्साइड की स्टेबिलिटी क्या होती है, सुपर ऑक्साइड की क्या होती है,
ठीक है।